केडी द मैक्यूबर चैनल में आपका स्वागत है। मेरे पास कई स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे कि सर एक ऐसा परफेक्ट टाइम टेबल बनाइए जो लॉकडाउन पीरियड में ऑनलाइन टीचिंग और ऑफलाइन टीचिंग दोनों में एक परफेक्टली काम करे, है ना। तो ये मैं जो आज आपको टाइम टेबल बता रहा हूँ ये 10th और 12th दोनों बोर्ड्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा। और जो भी बच्चे आफ्टर 12th कोई भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एयरफोर्स, नेवी, RAS, कोई भी सिविल एग्जाम्स, ये सब के लिए एक परफेक्ट टाइम टेबल है। इसमें आपको जो है रीडिंग, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और अपना रिफ्रेशमेंट सभी के लिए एक इक्वल जो है रेशियो आपको मिला। आपने ये फॉलो किया तो आप देखेंगे विद इन शॉर्ट टाइम और विद इन फिक्स डेट में आप एक असाइनमेंट को ग्रो कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी क्वेरी रहती है कि बैकअप टाइम, यानी अपन कितनी घंटे की नींद लें, जिससे कि एक स्टूडेंट अगर मान लो 10 से 12 घंटे की पढ़ाई कर रहा है तो वो अगले दिन वो अपने आप को टायर्ड फील नहीं करे। तो स्टूडेंट्स यहाँ मैं आपको बता दूँ कि एवरेज टाइम जो है 6 आवर्स का रहता है, यानी 6 घंटे की नींद हर स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है। तो यहाँ चलिए अपन सबसे जो सोने का बेस्ट टाइम रहता है वो अपना रहता है स्टूडेंट्स 11 to 5, क्लियर, 11 to 5। तो यहाँ पर आप क्या है कि 5 जो AM है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा वेकअप टाइम, ठीक, यानी 5 बजे अपने को उठना है। अब वो अलग बात है कि कभी कभी अपन 25-30 मिनट को इधर उधर मैनेज कर सकते हैं। सपोज देट मान लो किसी की डेली रूटीन 4:30 से स्टार्ट हो रही है, या किसी की 5:30 से स्टार्ट हो रही है, किसी की 6 से स्टार्ट हो रही है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग अपने को थोड़ा सा इसमें डेविएशन कर सकता है। बाकी मोस्टली अगर अपन इसी का फॉलो करें तो ये परफेक्ट टाइम है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 11 to 5 AM हो गया अपना वेकअप। अब यहाँ पर अपने को क्या करना है, 5 to 5:30 में अपने को फ्रेश अप हो जाना है, ठीक, जो भी डेली रूटीन है वो अपना पूरा कर लेना है। यहाँ पर कई बार स्टूडेंट्स की क्वेरी रहती है कि ध्यान रहे केवल फ्रेश अप के लिए बोला गया है, बाकी आपको ये नहीं कि आप जो है सुबह सुबह एक कंप्लीट बात ले लें, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि मॉर्निंग में जब अपन उठते हैं तो वैसे ही अपन रिफ्रेश ही होते हैं, इसलिए स्टार्ट में इसके लिए टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में आपको 5:30 से 8 की ये आपकी हो गई 2.5, यानी करीब 2.5 घंटे की आपको एक स्टडी लगानी है। और अगर आपके पास ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैथ का एक्सपीरियंस है तो आप ये स्टडी मैथ से रिलेटेड लगाएं तो आपको सबसे बेस्ट रहेगा, क्लियर। यानी मॉर्निंग में अगर आपने ये 2.5 घंटे अगर मैथ और रीजनिंग को दिए तो बिल्कुल ये सुपर रिलेटिव स्टेप है आपका। नेक्स्ट क्या करना है देखिए, अब आपको 8 to 8:30 आपको ले लेना है अब ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट और यहाँ पर ले लेना है अपने को बात, क्लियर। अब इसमें आप 10-15 मिनट का इधर उधर अपने उसे डेविएशन कर सकते हो। यहाँ पर 8 to 8:30 आप चाहो तो इसको 9 तक भी ले जा सकते हैं अपन, जैसे 8 to 9, जैसे कई स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ा बहुत एक्सरसाइजेस का भी शौक रहता है, तो एक्सरसाइज अगर आपकी हॉबी है तो आप इसको 15-20 मिनट्स की कोई योगा या हल्की फुल्की एक्सरसाइज ऐड कर सकते हैं। ये ध्यान रहे जब अपन एक कंप्लीट स्टूडेंट जर्नी में है तो अपने को ज़्यादातर हल्की फुल्की एक्सरसाइज ही करनी है। ये नहीं कि अपन किसी जिम में जाके चले गए और पुशअप लगाने लग गए और 1 या 2 घंटे तक अपना वो पुशअप ही चल रहा है, ठीक। तो यहाँ पर ये अपना हो गया ब्रेकफास्ट प्लस बात। आप चाहो तो इसको चलिए 8 to 9 तक भी आप ले सकते हो, है ना। ये अपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट से थोड़ा बहुत मैंने बताया कि 15-20 मिनट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर अगला क्या है अपना 9 to 11:30, ये अब फिर से 2.5 घंटे का एक नेक्स्ट सेशन है अपना। इस नेक्स्ट सेशन में अपनी जो स्टडी रहेगी वो मोस्टली रहेगी साइंस की। अब मान लो जिन स्टूडेंट्स के पास साइंस के अदरवाइज जैसे कोई और सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज है, कहने का मेरा मतलब है फर्स्ट इम्पोर्टेंट स्टेप तो लेनी है सबसे पहले सेशन में, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपना स्टेप है, कोई दूसरा स्टेप जो अपना ऐसा है कि जो सेकेंडरी फोकस है वो अपने को लेना है दूसरे सेशन में। तो इस तरह से आप देखोगे कि जो अपने जैसे आपने टोटल पार्ट में क्या करना है, पूरी स्टडी को पहले तो मैं आपको बता दूँ कि 3 पार्ट में डिवाइड करना है।
जैसे आपके पास सपोज दैट ट्वेल्थ का स्टूडेंट है, तो ट्वेल्थ का स्टूडेंट है उसको पीसीएम और प्लस हिंदी इंग्लिश, ठीक। और तो आप चाहें तो इसको मैथ को अलग ले सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री को दूसरे सेशन में और तीसरे सेशन में हिंदी इंग्लिश, या आप ऐसा भी कर सकते हैं चार सेशन बना सकते हो, जैसे पीसीएम के तीन सेशन और एक सेशन हिंदी इंग्लिश, क्लियर। तो ये अपना 9 to 11:30 ढाई घंटे की स्टडी फोकस हो गई किसकी, साइंस की, ठीक है। यहाँ पर अब क्या करेंगे अपन 11:30 से 12:30 यहाँ पर कर लेंगे एक ब्रेक, और ये ब्रेक जो होगा अपना उसमें इंक्लूड कर लेंगे अपन लंच, लंच और या अपन 10 to 20 मिनट्स की नैप ले सकते हैं, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि आप देख सकते हो कि ढाई ढाई घंटे के जो दो सेशन हुए थे ये काफी टायर्ड सेशन है, क्योंकि आपने जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट थे वो इसमें कवर कर लिए मोस्टली, क्लियर। इसलिए अब देखो सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि जब यहाँ पर आप देख रहे हो कि अभी आपका दिन जो है केवल हाफ ही हुआ है, जबकि आपने जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के सेशन थे वो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए, तो अब यहाँ पर आप क्या लंच के बाद कोई 20 मिनट का यहाँ पर एक रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं, कोई नैप ले सकते हैं, या मान लो कई स्टूडेंट्स को क्या नैप की हैबिट नहीं होती, कोई म्यूजिक सुनना है उनको 20-30 मिनट्स का, वो कर सकते हो, है ना। तो ये आपका यहाँ पर ब्रेक हो गया पूरा एक घंटे का। अब देखिए अब तक जो अपनी पिक्चर चल रही है उसमें आप देख रहे हो कोई लोड का काम नहीं है, क्योंकि यहाँ अपन ने देखा पूरी 6 hours की अपन ने नींद ली है, उसके पास 30 मिनट अपन ने फ्रेशअप में दिए, ढाई घंटे का एक सेशन लिया अपन ने मैथ, जो कि अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब मान लो किसी स्टूडेंट के पास बायो है, जैसे 12th के स्टूडेंट है उनके पास पीसीबी का ग्रुप है, तो उनका इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्या हुआ फिजिक्स, और सेकंड इम्पोर्टेंट क्या हुआ केमिस्ट्री, तो इस हिसाब से वो उसको यू डिवाइड कर। और मान लो अगर आपके पास पीसीएम है तो आपका मैथ फिजिक्स और थर्ड सेशन केमिस्ट्री हो सकता है इस तरह से, चलिए ठीक है। तो यहाँ 11 to 12:30 आपका ब्रेक हो गया, यहाँ पर आपने अब लंच कर लिया है, नैप ले ली है, अब आप क्या करेंगे 12:30 to यहाँ पर 3 PM का एक और स्टडी का सेशन लगाएंगे, ये भी आपका ढाई घंटे का रहेगा, और यहाँ पर अपन देख रहे हैं यहाँ अपन जो थर्ड हमारा ऑब्जेक्ट है उसको लेंगे, जैसे मैंने बताया पीसीएम में थर्ड जैसे केमिस्ट्री लेना है, पीसीबी में थर्ड हमको बायो लेना है, क्लियर। तो ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ढाई घंटे का, वो देखिए क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए माइंड का क्या एक ग्राफ रहता है कि जो फर्स्ट 30 मिनट होती है उस पर माइंड क्या है कि उस सब्जेक्ट पे फोकस करना स्टार्ट करता है, और बाकी 2 hours में आपको क्या करना है कि आपको 1.5 घंटे तो करनी है स्टडी, और फिर लास्ट के जो 30 मिनट है उसमें उस स्टडी के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ये ढाई घंटे का कोई सेशन ये नहीं है कि आप इसमें लर्न नहीं करते रहेंगे, पहले 30 मिनट में आपको जो कंसेप्ट पढ़ना है उसको एक बार समझना है, फिर आपको 1.5 घंटे की यहाँ पर एक परफेक्ट स्टडी करनी है, एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन आंसर इस तरह, और लास्ट के 30 मिनट में आपको रिवीजन एंड सॉल्व करो, इस तरह 2.5 घंटे की पूरी पिक्चर आपको तैयार करनी है, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि जो नेक्स्ट आपका रहेगा यहाँ पर 3 to 4 में फिर से हमारा यहाँ पर एक ब्रेक रहेगा 3 to 4 में। अब 3 to 4 जो ब्रेक है स्टूडेंट्स, इसमें आपको क्या करना है, कोई टी कॉफी जूस या कुछ भी ले सकते हैं, आपको कोई भी हैबिट नहीं है तो आप सिंपल जो है नींबू पानी इस तरह से भी कुछ ले सकते हैं, यानी कोई ना कोई अपने को ऐसी डाइट लेनी है जो कि अगले डे में हमारा जो लास्ट पार्ट आ रहा है उस तक अपने को जो है बिल्कुल कंफर्म रिफ्रेश करके। आगे देखते हैं 4 के बाद अपने को चौथा जो सेशन है 4 to 6 का, 4 to 6 ये हमारा 2 hours का 4 sessions है स्टडी के लिए। इसमें जो मैंने आपको बताया था स्टडी को बनने कितने पार्ट में बांटा था, 4 parts में, तो यहाँ पर आपका चौथा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मान लो कोई 12th का स्टूडेंट है तो उसने आपने पीसीएम तो पहले 3rd में पढ़ ली, हिंदी इंग्लिश आपकी 1-1 घंटे की इसमें हो गई, क्लियर। कोई कंपटीशन का स्टूडेंट है वो इस हिसाब से इन आवर्स को डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पर अपना अब आप देख रहे हो कि 2.5 घंटे के 3 sessions हो चुके हैं और 2 घंटे का ये, यानी टोटल स्टडी हमारी हो चुकी है 9.5 घंटे की, जो कि एक इफेक्टिव अप्रोच की ओर हमको ले जा रही है। अब यहाँ देखिए यहाँ अपना 6 तक का शेड्यूल पूरा हो गया है, यहाँ अपने को क्या करना है 6 to 9 अब ये हमको लेना है कंप्लीटली ब्रेक।
ठीक, इसमें आप अपनी बुक्स को रख दीजिए एक तरफ और इसमें हमको जाना है एंटरटेनमेंट की ओर, क्योंकि आप जानते हो स्टूडेंट लाइफ में ये भी एक मस्त है। तो 6 to 9 ब्रेक में क्या करना है, इसमें आपका डिनर हो जाएगा, आपकी इवनिंग वॉक हो जाएगी, आपको स्पोर्ट्स खेलते हैं वो हो जाएगा, और आपको अगर मान लो स्पोर्ट्स में रुचि नहीं है, किसी को सपोज दैट अपने फ्रेंड से मोबाइल पे बात करनी है, मोबाइल पे आप कोई ऑनलाइन टॉपिक देखना चाहते हैं, या मोबाइल पे आप कोई मूवी देखना चाहते हैं, कोई मोबाइल में म्यूजिक सुनना चाहते हैं, ये सारी चीज आपकी 6 to 9 में आ गई। ये 6 to 9 का टाइम आपका है, आपको अपने हिसाब से जो भी डिवाइडेशन सूटेबल हो वो आप कर सकते हो, इसमें आप अपनी मर्जी के मालिक हो। ठीक, यू आर द किंग ऑफ दिस सेशन। अब देखते हैं इसके बाद क्या है। अब हमारा दिन का स्टार्ट होता है यहाँ पर एक तरीके से समराइज करने का। यहाँ अपन अब क्या करेंगे, 9 to 10:30 ये एक 1.5 घंटे का हमारा 5th सेशन है। इसमें हमको करना कुछ नहीं है, पूरे दिन में जो हमने 4 सेशन में जो भी पढ़ा था उसको समराइज करना है, उसको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, या अपन ने ये देखना है कि नेक्स्ट डे की हमारी प्लानिंग क्या रहेगी, और एक मॉक टेस्ट भी आप सॉल्व कर सकते हो कोई भी किसी भी चीज़ का। जैसे सपोज दैट कोई एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसने कोई मैथ के 50 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट कर लिया, कोई मान लो सिविल की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसने प्री की कोई एग्जाम का पुराना पेपर निकाल लिया। इसमें मोस्टली कहने का मतलब, अगर हमारे पास समराइज करने के लिए नहीं मैटर है तो मॉक टेस्ट देंगे, नहीं तो 4 सेशन का इसमें समराइजेशन करेंगे। क्लियर। अब यहाँ पर 10:30 से अपन आते हैं 11 की तरफ। इसमें आप जो है बेड पे जाने की प्रिपरेशन करेंगे। ठीक, आप कोई इवनिंग वॉक ले सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, कुछ भी, ये भी टाइम आपका ही है। ठीक है, और आपका 11 to 5 आपको पूरी नींद लेनी है। यहाँ पर ये ध्यान रहे कि ऑनलाइन जो है अब आपको 10:30 के बाद किसी भी तरीके से ऑनलाइन तो होना ही नहीं है। 10:30 के बाद अपना मोबाइल लैपटॉप या गैजेट जो भी है वो आप रख दो एक तरफ, चार्जिंग पे लगा दो, कुछ भी कर दो, लेकिन आपको यहाँ से अब उसको टच नहीं करना है। ठीक, आप आराम से 5 बजे का लगाओ अलार्म और आपको जाना है सीधे बेड पर। तो अब देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको टाइम टेबल बताया उसमें आप देख रहे हो टोटल आपकी 11 आवर्स की स्टडी हो चुकी है, 11 घंटे की एक कंप्लीट अप्रोचेबल स्टडी हो चुकी है। आपको एंटरटेनमेंट के लिए बीच बीच में ब्रेक भी मिले हैं, आपको ब्रेकफास्ट लंच डिनर टाइम टू टाइम चल रहा है। अब देखिए इसमें क्या, जैसे अपने को कोई कंपटीशन निकालना है तो ये तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि आपको अपने लिए ऑनेस्ट होना पड़ेगा। अब हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो रेयर केस में ये टाइम आपका डिस्टर्ब हो रहा हो, तो अब आपको करना क्या है, आप अपने हिसाब से थोड़ा इसमें फेरबदल कर सकते हो। जैसे मान लो सपोज दैट कि 2nd सेशन आपका ये चल रहा था स्टडी का 2.5 घंटे का, अब इस बीच में आपका कोई फ्रेंड आ गया या आपका कोई रिलेटिव घर पे आ गया और आपका 1 घंटा वहां पर वेस्ट हो गया। ठीक, आपने 1 आवर वेस्ट कर दिया तो कोई बात नहीं है, आप क्या कर सकते हो, जो ब्रेक आपको चाहिए था वो यहाँ मिल चुका है। अब आप 6 से 9 वाले ब्रेक को 2 आवर्स का कर सकते हो तो आपका 11 घंटे कवर हो जाएगा। मान लो किसी रेयर केस में आपका उसमें से भी 1 घंटे माइनस हो गया तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप इसको 1 महीने में 25 दिन फॉलो करते हो, 5 दिन फॉलो नहीं भी करते हो तो चलेगा, है ना। ये तो आप जानते हो कि एक 100% अप्रोच तो होती नहीं है, 90% अप्रोच भी हमारी रहेगी तो भी हमको सक्सेस मिलेगी 100%। तो आप सभी एक बार इस टाइम टेबल को नोट कर लेना और यहाँ पर आप अपने हिसाब से भी इसमें थोड़ा बहुत डेविएशन ला सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग ये किसी भी कंपटीशन के लिए और किसी भी क्लास के लिए एक परफेक्ट टाइम टेबल है। हाँ, इसमें कभी कभी ऑनलाइन क्लास वगैरह जैसे कोई स्टूडेंट लेता है या कोई कोचिंग है तो उसके हिसाब से वो 1 सेशन को कहीं भी माइनस कर सकता है। क्लियर, तो भी आपके पास जैसे टोटल सेशन अपने पास कितने थे, 5, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर एक क्लास रूम में जा रहा है तो 4 सेशन में भी वो उसको डिवाइड कर लेगा तो भी उसका काम बन सकता है। कई बार स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रहती है, सर ये 2.5 घंटे का सेशन तो बहुत काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो आप इसको 2-2 घंटे के सेशन में भी डिवाइड कर सकते हो। कहने का मतलब कुल मिला के हमको 10 आवर्स का यानी 10 घंटे का एक बढ़िया टाइम टेबल लेना है जिसमें कि हमको पूरे को 5 सेशन में डिवाइड करना है। क्लियर, चाहे वो 2-2 घंटे के हों चाहे 2.5-2.5 घंटे के हों, इस तरह से।
और उसमें हार्ड और इजी सब्जेक्ट को भी आपको उसी तरीके से क्लासिफाई करना है। हार्ड सब्जेक्ट का सेशन आपको स्टार्टिंग में लेना है और इजी सब्जेक्ट का सेशन लेना है आपको बाद में। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये था हमारा टाइम टेबल से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट बिट। मुझे उम्मीद है आप सभी इसको फॉलो करेंगे और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगला वीडियो आपको जिस टॉपिक में भी चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना।